Assalamualaikum, welcome to my home's cooking channel। तो आज मैं आपसे चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही इजीली बना सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 5 से 6 ओनियन चॉप करके। हमने यहाँ पे आधा से पाउन किलो जितना था चिकन ले लिए है, आप कम ज़्यादा ले सकते हो। और यहाँ हमने लिए है कुछ खड़े मसाले, दालचीनी, इलायची एंड लवंग, कोई भी ले सकते हो आप, चक्री फूल वगैरह भी आती है। हमने यहाँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला, पुलाव पत्ती एंड तेज़पत्ता ले लिए है। साथ ही हमने यहाँ पे 1 बाटी कुकिंग ऑयल ले लिए है, कोरिएंडर लीव्स यानी कि कोथम्बिल लिए हमने, इसे हम चॉप करके एंडिंग में गार्निश करेंगे। हरा मसाला लिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच, मिर्ची अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये, 2 चम्मच लाल मसाला हमने यहाँ पे 2 चम्मच ले लिए है, 1 चम्मच हमने यहाँ पे नमक लिए है, हम इसे स्वाद अनुसार यूज़ करेंगे। साथ ही हम लेंगे काजू और बादाम, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। हमने यहाँ लिए है 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, 2 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर और 2 टोमेटो की मिक्सी जार में प्यूरी बना के ले लिए है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ हो गए। तो चलिए शेफ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इस पर इस तरह से कोई भी लग नहीं रखेंगे, ठीक है, कोई भी बर्तन जो भी आपके पास हो। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, तो इसमें हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये ओनियन चॉप किया हुआ। तो इस तरह से ये हम सारा ओनियन इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। तो इसे हमें एकदम ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना है, बस आप देखते जाओ आगे जितना हम करेंगे उतना ही। तो यहाँ पे हमारा ओनियन फ्राई हो रहा है, तब तक कि हम इसे चिकन को थोड़ी सी हल्दी लगा के हम इसे अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से पहला वॉश करके ले लेंगे। वॉश किया हुआ है चिकन, पर उसके बाद हमें इस तरह से हल्दी लगा के फिर से वॉश करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ओनियन भी अच्छे से इस तरह से आपको फ्राई करना है बिल्कुल इसी तरह। तो इसे हम ठंडा होने देंगे, तब तक ये हम लगा के ले लेंगे काजू और बादाम का पेस्ट मिक्सी जार में। तो ये देखिए हमने इसका अच्छे से पेस्ट बना के ले लिए, तो इसे हम साइड में रखेंगे और मिक्सी जार में अब हम जो ओनियन हमने फ्राई करके ले लिए थे वो ठंडा भी हो गया है, तो अब हम इसे पहले मिक्सी जार में ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना के ले लेंगे। तो ये देखिए हमने ये जो ओनियन था कांदा उसे हमने पूरा लगा के ले लिए है और ये देखिए इस तरह से आपको पेस्ट बना के ले लेना है। तो अब हम गैस पे ये लगनी रखेंगे जिसमें हमने कांदा फ्राई किए थे, उसमें अब हम बचा हुआ तेल डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच होगा तकरीबन। तो इसे भी हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, दालचीनी, इलायची एंड लवंग डाले हमने यहाँ पे, आप चक्री फूल वगैरह भी आती है बहुत से वो भी डाल सकते हो, तो इतना काफ़ी है। तो हमने ये डाल दिए है, साथ ही अब हम इसमें डाले है पुलाव पत्ती एंड तेज़पत्ता, उसे वॉश करके हमने डाल दिए है और हमने यहाँ डाल दिए है ओनियन जो हमने अभी इसका बारीक फाइन पेस्ट बना के ले लिए थे। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे, 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, हरा मसाला जो अदरक लहसुन और मिर्ची का बना हुआ वो डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो और भी डाल सकते हो। और साथ ही हमने इसमें डाल दिए है 2 चम्मच लाल मसाला यानी कि रेड चिल्ली पाउडर, और इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, स्टर करेंगे, ठीक है। अब हमने इसमें डाल दिए है 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1 छोटी चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दिए है, इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिए है, तो अब हम इसमें डाल देंगे चिकन।
तो इस तरह से हम सारा चिकन इसमें डाल देंगे और फिर से हम इन सबको अच्छे से इन मसालों में मिक्स करेंगे चिकन को। और इसे हम प्लेट रख के यानी कि ऊपर की थाली रख के हम इसे 5 मिनट इस तरह से पानी छूटने देंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसे हल्का सा पानी छूट गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जो हमने जिसमें कांदा रखे थे फाइन पेस्ट बना के, कांदे का पेस्ट, उसी में हमने पानी डाले वो बाउल में। तो इस तरह से वो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें पानी डाल दिए है। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। हमने 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो ले लिए थे और उसे बस बारीक कट करके मिक्सी जार में लगा लेना है। तो इस तरह से हमने ये जो हमारी बनाई हुई टोमेटो प्यूरी है वो भी इसमें डाल दिए है। तो अब हम इसे थाली रख के पकाने रखेंगे। तो ये देखिए हमने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखे है और इस तरह से हम ऊपर पानी डालेंगे प्लेट में। इस तरह से करने से क्या है कि नीचे से लग नहीं जाता है, अच्छे से पक भी जाता है और नीचे से लगता भी नहीं है मसाला। तो यही पानी अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, और इसमें अब हम डालेंगे काजू बादाम का पेस्ट और इसे हम अब हम आधा घंटा पकाते रखेंगे ताकि चिकन जो है वो हमारा वो अच्छे से पक जाए। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, तो आप देख सकते हो आधा घंटा हो चुका है और ये जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पक चुका है, चिकन भी अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे धनिया जीरा पाउडर 2 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला एंड कोरिएंडर लीव्स चॉप करके हम इसे गार्निश करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी जो मसाला है हमारा रेडी हो गया है, यानी कि चिकन कोरमा हमारा रेडी हो गया है। अब आप इसे गरम गरम सर्व कर सकते हो और मज़े ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है। आप भी इस मेरी रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना। जब भी आपके घर पे मेहमान आए हो या ऐसे ही घर पे, आपका जब भी मन चाहे आप इसे बना के खा सकते हो। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन की घंटी को दबाना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।